मेरे सुप्रीम जनरल ऑफ पुलिस पुंच जनरल रमेश कुमार, इज्जत माँ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर साहब जनाब तारक खान साहब, रिटायर्ड फजल साहब, और ये ऑडिटोरियम हमें फराहम किया ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल। बेशक जो 25 मार्च के बाद से लॉकडाउन का सिलसिला था और कोरोना की वजह से लोगों के जहनों में जो खौफ हिरास और परेशानी थी वो तनाव था, तो यकीन इस तरह का ये जो प्रोग्राम है मौसीकी का बहुत मुद्दत के बाद हुआ, इससे लोगों को उससे राहत मिली है, रिलीफ मिली है, तनाव कम हुआ है। और वहीं साथ साथ ज़िला पुलिस की तरफ से ये खराज अकीदत है उन शहदा को जिन्होंने अपनी वतन की सालमियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए और हम जैसे आम आवाम की हिफाजत के लिए अपनी कीमती जानों के नजराने पेश किए हैं। तो हम ज़िला पुलिस पुंछ के इस कदम की सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़िला पुलिस सी वैकेशन के तरह किस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद करती रहेगी, जिससे ना सिर्फ हमारे शहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा बल्कि साथ साथ अदब की, कल्चर की भी हिफाजत होगी और लोगों की तफरी भी होगी। जैसे कि आपको पता है कि मार्टियर्स को ये जो हमारे 10 दिन हैं हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स करके इनको डेडिकेट किए हैं, उसी सिलसिले में आज ये कल्चरल प्रोग्राम जो है वो यहाँ कॉलेज के जो ऑडिटोरियम है वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो कल्चरल प्रोग्राम है प्योरली मार्टियर्स की जो शहादत है उनको याद करने के लिए हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। इसमें आईजी जम्मू जोन, डीआईजी आरपी रेंज, एसएसपी रजौरी और काफ़ी यहाँ जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं पुंछ के और हमारी जो मार्टियर्स फैमिली हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और हम शुक्रगुजार हैं लोगों के कि वो जब भी इस तरह के कोई फंक्शंस होते हैं उसमें वो हमारे साथ रह करके इस तरह के फंक्शन की शान बढ़ाते हैं और हमारे मार्टियर्स को याद रखते हैं।